नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भारत की राजनीति में रातों रात कौन कितना पावर में आ जाए, कौन पावरफुल बन जाए, ये कहना मुश्किल है। आज की तारीख में सतीश चंद्र मिश्रा, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, काफी पावरफुल दिखाई दिए। मीडिया उनको घेर रही थी सवाल पे सवाल, और वो जवाब भी बिल्कुल बेबाकी से दे रहे थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से जो है चुनाव नहीं जीत रही है, हालत खराब है, वो कहते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां जो आज ताल ठोक रही है वह भी कभी इसी हालत में थे। तो राजनीति में अप एंड डाउन तो चलता रहता है। मीडिया ने दूसरा सवाल कर दिया कि ये 9 सीटों पे जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप कैसे चुनाव को देख रहे हैं? उन्होंने कहा बसपा बहुत अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ रही है, हम स्कोर करेंगे, चुनाव जीतेंगे। जो इनके कार्यकर्ता है, जो बसपा के कार्यकर्ता है, वो बखूबी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्टेटमेंट था। जब मीडिया ने कहा कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी कहते हैं कि जब कांग्रेस ताकत में हुआ करती थी 2007 से पहले, यही भाजपा वाले सपा वाले उस वक्त ये कहते थे कि बसपा जो है कांग्रेस की बी टीम है, तो इनका तो काम है बताना बी टीम सी टीम, हम इसकी परवाह नहीं करते। और रही बात ये समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला करते हुए साफ साफ कहा इनका मैच फिक्स होता है, ये जानबूझकर ध्रुवीकरण करते हैं, या तो वोट भाजपा को चला जाए या समाजवादी पार्टी को चला जाए। जो बीच के प्लेयर हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, उनको ये पसंद नहीं करते, ये चाहते हैं कि हमें खुला मैदान मिले, पर उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है, बसपा मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया की तमाम कैमरे की आंखें जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी के तरफ घूम गया, और वो लीड करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 2007 में हम पूर्ण बहुमत से आए थे और हम राष्ट्रीय दल हैं, ताकतवर हैं, हम किसी का बी टीम सी टीम नहीं होते। रही बात ये सतीश चंद्र मिश्रा जी की ये बेबाकी, ये आवाज, ऐसा लग रहा था कि वाकई पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सतीश चंद्र मिश्रा जी नजर नहीं आए थे, पार्टी के फोरम पे कभी बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और लोग कहते हैं बहन मायावती जी के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद है, सतीश चंद्र मिश्रा जी है, सब बड़े बड़े लीडर हैं बसपा के। तो कहने का मतलब यह है कि वाकई बसपा मजबूत है। लेकिन हम दूसरी तरफ आपको एक आईना दिखाते हैं, जो मेरठ में डॉक्टर रोहिणी गावरी, जो यूएन में स्पीच दिया था, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी होल्डर हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो सीधा हमला करती हुई नजर आई बहन मायावती जी के ऊपर, सीधा टारगेट किया। वे जाटव नेता है, बहुजन समाज के नेता नहीं है। अब सवाल ये उठता है अचानक डॉक्टर रोहिणी गावरी सुर्खियों में कैसे आई? तो मैं आपको बता दूं कि जो 1 अगस्त का सर्वोच्च अदालत के फैसले थे, जो जिसमें कहा गया था एससी एसटी वर्ग में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा, और इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि 21 अगस्त का जो भारत बंद आंदोलन हुआ था उसका समर्थन बहन मायावती जी ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, चिराग पासवान ने किया, सबने कहा कि कोटे में कोटा नहीं होनी चाहिए, एससी एसटी को जो वर्तमान में आरक्षण मिला हुआ है वो सफिशियंट है, हम उसमें से अलग थलग नहीं होना चाहते हैं, यह समाज को बांटने की साजिश है। लेकिन एससी एसटी वर्ग से ही आते हैं वाल्मीकि समाज, जो समर्थन कर दिए, जीतन राम मांझी समर्थन कर दिए सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को, और उसी
कोटे में कोटा जो है इसमें निकल कर आई डॉक्टर रोहिणी गावरी और उन्होंने कहा कि हम क्लासिफिकेशन का समर्थन करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने पूछा कि आज की तारीख में सतीश चंद्र मिश्रा जी फुल फॉर्म में है, फुल पावर में है और ताबड़तोड़ मीडिया को जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर निकालो, पार्टी से बाहर निकालो, इन्होंने जो है भाजपा के ये आरएसएस के एजेंट है, ये पार्टी को बर्बाद कर दिया है, लोग कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बसपा के कार्यकर्ताओं ने जो कहा, उन्होंने कहा साफ साफ कि मान लेते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को बाहर कर देते हैं, तो बताइए बसपा के अंदर ऐसे कौन से नेता हैं जो बसपा को आसमान तक पहुंचा देंगे। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जाते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, पार्टियां मजबूत हो रही है। पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, सब पीछे खड़े होते हैं तो पार्टियां मजबूत है। अब जैसे कि डॉक्टर इंदु चौधरी घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करती है, चौपाल लगाती है, लोगों के बीच बैठती हैं, लोगों को समझाती हैं, मोटिवेट करती हैं, बसपा से जुड़िए, बहन मायावती जी को मजबूत कीजिए। और वो एक कार्यकर्ता भी है, चुनाव भी लड़ी है, चाहे जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन आज की तारीख में हारने के बावजूद भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक हम लोगों का अनुमान था कि चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही है प्रोफेसर ऋतु, और जो प्रोफेसर ऋतु है वो चुनाव के बाद किसी अन्य दलों में नजर आएंगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि यही बसपा की पहचान बन गई है। जीतने वाले विधायक भाग के दूसरे दल में चले जाते हैं और हारने वाले जो विधायक होते हैं वो नजर नहीं आते, ऐसा कई सालों का रिकॉर्ड रहा है। उन रिकॉर्ड के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में डॉक्टर ऋतु यानी प्रोफेसर ऋतु भी जो है वह भी जो है समाज के बीच जा रहे हैं, मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखती हैं, बसपा का पक्ष रखती हैं। तो इस बार जो 2024 में जो नए नए नेता आए, बसपा ज्वाइन किए, वह भी आज तक बसपा में ही हैं। जो पुराने नेता हैं वो अपने काम में लग गए, जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता और मतदाता के घरों तक पहुंचने लग गए, ये एक शुभ संकेत बसपा के लिए है। लेकिन जब सतीश चंद्र मिश्रा जी के बारे में सवाल उठता है तो कार्यकर्ता कहते हैं कोई बात नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन कोई तो सामने आओ जो समाज को ऊपर ले चलो, जो सबको एकजुट करो। रही बात ये कि हमने देखा है कई बार कि जो नेता होते हैं जो आम जनता के बीच जाते हैं उनमें, और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जैसे कि एडवोकेट हो गया, कोई जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, वो आम जनता से एक आत्मीयता नहीं बना पाते हैं। जो उसी समाज के रगड़ा खाए हुए जो नेता होते हैं वो समझते हैं कि हमारी जो बात है, ये जो जनता है कौन सी बातें हमारी समझेगी, भावनात्मक रूप से लगाव होता है। जैसे किसानों के बीच अगर आप जाते हैं, बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी स्कीम लेकर जाइए, अगर आप किसान नहीं हैं तो आप समझाने में नाकामयाब रहेंगे, और जो वहां का लोकल किसान होगा वही प्रोजेक्ट को वो खुद लेकर जाए, वो समझा लेगा। तो ये होती है एक अलग से टाइप की नेतागिरी। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है कटोगे तो बटोगे का नारा तो नहीं देंगे। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी से आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए कहेंगे वो ऐसा नहीं कर सकते। बहन मायावती जी एक वरिष्ठतम लीडर में से है, चार चार बार की मुख्यमंत्री रही हैं, एलएसजी सिक्योरिटी के साथ चलती हैं, क्या आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा करते हैं उतना स्टैंडर्ड तो हमारी बहन मायावती जी नहीं गिरा सकते। बड़े बड़े नेता जिस तरह से अपना अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं, यही सवाल है। और हमारा लोकतंत्र के अंदर, जैसे आप न्यूज चैनल पे भी देखते हैं, बहुत सारे चैनल हैं
जहां पे न्यूज एंकर उछल कूद ज्यादा मचाते हैं, हंगामा ज्यादा करते हैं, टीआरपी बढ़ती है, ऐसा बहन मायावती जी या उनकी पार्टी नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।